सनावत के नगर पालिका में आज बैठक में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक सचिन बिरला और एसडीएम के साथ सीएमओ भी मौजूद थे, तो इस दौरान विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने पर चर्चा की गई। खास तौर पर सड़क निर्माण और जल आपूर्ति जुड़े कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। बीपीएल कार्ड जो गरीबों के लिए अति महत्वपूर्ण है, बच्चों की शिक्षा के लिए, अनाज के लिए, इस सरकार की महंगी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक बीपीएल का शिविर भी लगवा रहे हैं। गरीबों को राहत देने के लिए पेंशन शिविर, पेंशन के कई प्रकरण ऐसे जिनको उनको पेंशन नहीं मिल रही, उसके लिए भी शिविर लगेगा, आवास योजना का शिविर लगेगा। और महत्वपूर्ण काम ये हुआ है कि हमारी जो स्कूलें हैं कन्याशाला, बच्चियां वहाँ पढ़ती हैं, पानी साफ सुथरा उनको मिले उसके लिए मशीनें वहाँ लगाई जाएगी, पानी का टंकी का निर्माण होगा, एक सभागृह हाल का निर्माण वहाँ पर किया जाएगा। इसी तरह बालक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वहाँ पर भी सभागृह का निर्माण, और दीवार तो बाल बाउंड्री छोटी होने के कारण रात को वहाँ पर कई लोग घुस के उस पार बैठते हैं, उसको रोकने के लिए भी वॉल बाउंड्री ऊंची करेंगे, और वहाँ पर पानी अंदर घुसता है उसको रोकने के लिए वहाँ पर भी निर्माण कार्य होगा, सभागृह बनेगा। ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय आज हुए और सबसे बड़ा काम प्रधानमंत्री आवास को लेकर हुआ। माननीय विधायक महोदय द्वारा विकास कार्यों की समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिसमें विकास कार्य और यहाँ की आम जनता भी एकत्रित हुई थी। उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं वो हमने नोट कर लिया है, जिनकी सर्वेक्षण डीपीआर तैयार करना है, तो डीपीआर तैयार करके उससे शासन से राशि की मांग की जाकर वो निर्माण कार्य पहली प्राथमिकता से किए जाना है। और आवास योजना, माननीय विधायक महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना, स्वरोजगार योजना, समस्त प्रकार की पेंशन योजना, इन सभी की समीक्षा की गई है, जिसमें उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि दो दिवस पेंशन की